हेलो अस्सलाम वालेकुम, इसमें उसामा खान, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, जैसे आपको पता है लास्ट वीडियो में आपने जैसे देखा कि हमने रात की थी हारून की बर्थडे, तो ये कि आज हम सारे मिलके जा रहे हैं गांव, और फाइनली हम गांव जा रहे हैं। मैंने आपसे इतनी दफ़ा दिखाया था कि हमारा रास्ते में यहाँ पर गाँव आता है, जब भी हम फैसलाबाद जाते थे पर कभी जाना आना नहीं हो सका। और आज का जैसे मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो ये है कि चलते हैं गाँव और आपको मैं सारा गांव दिखाऊंगा। तो ये है कि वैसे तो आज तो चला है उनके साथ, मैं आपको प्रॉपर गांव दिखाऊंगा, तो वो मुझे लगता है कि प्रॉपर वो शायद आज ना हो सकेगा, पर ये कि वो किसी और दिन रख लेते हैं कि जब मैं ज़मीनों पे जाके आपको प्रॉपर गांव दिखाऊंगा, तो वो किसी और वीडियो में रखते हैं। तो आज ये कि तला हारून के साथ चलते हैं गांव और जाके आपको सारा गांव दिखाते हैं। तो मैं तो तैयार हो गया था, तला हारून भी तैयार हो गया, तो जब रहा अब उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो तैयार हो गए कि नहीं हो गए, और फिर चलते हैं गाँव की तरफ। तब तक के लिए आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो बरहाल अब चलते हैं तला के पास, तला हारून के पास। सॉरी, ग्लासेस या नहीं? ये कौन है? हारून खान है, और ये है तला। तला तला यार इधर आओ यार, इधर रोशनी आती है। अच्छा, ये अंधेरा ऊपर देखना कहीं नहीं, रोशनी मतलब कि मोबाइल के अंदर रोशनी आती है। वो आ गए हैं बाबा, आ गए आपके। तो अब हम जा रहे हैं गाइस कहां? गलोहाड़ा, हमारा गांव। आ जाओ आ जाओ। सो गाइस, सब अपनी गाड़ियों में बैठ गए थे और फटाफट गाड़ियाँ उस वक्त आ गई थी, तो इसलिए हमने फटाफट बैठने की क्योंकि हम आगे काफ़ी लेट हो गए थे। तो ये था कि मौसम देखिए कितना मज़े का हुआ हुआ इस वक्त भी, तो अच्छी बात है जो कि मज़ा आएगा गांव में भी। तो हम फटाफट गाड़ियों में बैठे और हम जा रहे हैं गाँव, और ये है कि मैं गाँव पर जा कर आपको मैं मिलूँगा। तो अच्छी बात यह है कि मौसम अच्छा हो गया जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। बाकी ये है कि चलते हैं गाँव, गाँव जा कर आपको मैं सारा गाँव दिखाता हूँ। सो गाइस, हम आ गए हैं इधर, और इधर आके मैं ये तला हारून को लेके आया हूँ घुमाने के लिए। थोड़ा सा मैंने कहा तुम लोगों को मैं गांव दिखाऊं क्योंकि तुम लोग न्यू हो, बाकी मैंने तो सारा कुछ देखा हुआ है। तो बोला अब हम चलते हैं अंदर को, और यहाँ पे पीछे हवेली है, और हवेली में दिखाता हूँ ज़रा आपको। खुला नहीं हुआ, सारे में खोल लेगा कि वो उधर से कि वो तो गया, वो लेने जूस लेने गया हुआ बोतल बना। ये तला हारून इधर खड़े हुए हैं, किन्होंने इधर जाना, अंदर जाना है? नहीं, अंदर जाना है तुम लोगों ने, चुप करके बैठे रहो। तुम लोगों को अंदर जाके ना मैंने तुम लोगों को अंदर जाके ना मैंने बंद कर देना है। इधर से आओ, अब देख की किसने होना है। हाँ ये भी देखती हूँ मैं, एक मिनट। किसने? इन्होंने बच्चों ने बनाया। वो देख वो देख, वो नहीं डरता है। हाँ तुम्हें देखो, हम बचपन में इतना घर बनाते होते थे। इधर आओ, ईंटों के साथ लकड़ियों के साथ हम बनाते होते थे, और हमने गाड़ियाँ लेके आनी गाड़ियों के अंदर ना। सो गाइस, ये देखें, ये इन्होंने ना ईंटों के साथ बनाए हुए, हम डकड़ियों के साथ, लकड़ियों की डकड़ियों के साथ, और ना ये मिट्टी के साथ बनाते होते थे बचपन में। तो बहरहाल आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये एंट्री होती थी, ये हम बनाते होते थे इस तरह। अंदर बेड भी बनाओ, बेड, किचन, सारा कुछ। मिट्टी का तक बनाता। और ये देखो, ये किचन आई थिंक। ये बैठने के लिए, ये सोफा है उनके। चेयर बनाई है, सोफे की चेयर देखो बस, सांचे
सांचे होते थे, सांचे बच्चे का है ये नलका है, ये कितना सही लग रहा है ना नलका भी। सो गाइस हम वापस आ गए हैं और यहाँ पे हम खाने का टाइम शुरू हो गया था और ये मेरी आपी ने बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए हैं और जो मेरी आपी हैं उनका भी यूट्यूब का चैनल है पंजाब के रंग के नाम से और मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने वीडियो के लिंक में डाल दिया और आप जाइएगा और उन सब की रेसिपी जो भी खाने वगैरह यहाँ पर हैं उन सब की रेसिपी उनके ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी प्रॉपर और आप जाइएगा और जाके लाजमी देखिएगा और वॉच करिएगा, उनको अप्रिशिएट करिएगा, उनका खाना वाकई में बहुत मज़े का होता है। तो ये बिरयानी बनाई थी और भी और बिरयानी उसके अलावा जर्दा और सबके लिए ना मुख्तलिफ डिशेस बनाई थी, हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ बनाई थी क्योंकि जब जिस जिसकी जो जो फेवरेट डिश थी वो बनाई थी और आप अब स्क्रीन पे देख सकते हैं तो कितने मज़े मज़े के खाने मटन बनाया था, उसके अलावा बिरयानी, ये खीर, पास्ता, उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ था जो कि आपने देखा ही है। और ये देखिए कितने मज़े मज़े के खाने बनाए हैं और ये रही खीर जो कि आप ही ने बनाई थी और खीर चेक करें और इतनी मज़े की खीर, इतनी मज़े की खीर शक्ल से लग रही है, बहरहाल खाने में भी बहुत मज़े की होगी। तो बहरहाल इन सब की रेसिपी आप जाके चेक करिएगा, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो बाकी अब ये मैं खाना वगैरह खाता हूँ और खाना खा के आपको मिलता छोड़ेंगे पकड़ना तो ना ना ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, हाँ, तुम भी कर ना, ये गलत है और ज्यादा नहीं, ज्यादा इतना लाया फिर लगा सीधा हट पड़ा ये मम्मी अगली बार हानिया को आउट नहीं करनी है मम्मी चलो चलो बैठो मैं बैठ के वो करूंगा, चलो बैठो 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 सारे असीब आजा। सो गाइस हमने खाना वगैरह खा लिया था और हम उसके बाद खेलने लग गए जो कि मैंने आपको पहले दिखाया कि हम बैठे हैं यशु पंजू और उसके अलावा दूसरी गेमें वगैरह जो बचपन में हम खेलते थे वो खेलने लग गए हैं। तो अब हम ना ये यूसुफ है जो कि मेरी पप्पू का बेटा है उसका रिक्शा और हम उस पर बैठ कर अब हम ना पूरा गाँव घूमेंगे और आपको मैं पूरा गाँव दिखाऊँगा रिक्शे के ऊपर बैठ के, हम सारे कज़न वगैरह बैठ गए हैं तो बहरहाल अब चलते हैं और आपको मैं पूरा गाँव इस पर दिखाऊँगा और अंदर मज़ा आएगा जो कि ये देखें हम सारे कज़न वगैरह बैठे हुए हैं इस वक्त इधर, ये तलहा हारून हानिया वगैरह और ये गाँव है बाहर से जो कि हम देखें मतलब कि मज़ा आता है गांव का भी और फुल इन्जॉयमेंट होती है, सब कज़न वगैरह इकट्ठे होते हैं तो यही चीज़ें होती हैं बाहर घूमना फिरना। इस वक्त वैसे धूप निकल आई थी पर यह कि मौसम इतना मज़े का था कि धूप भी इतनी मतलब कि बुरी नहीं लग रही थी। तो ये है कि हम चले गए कि शाम का वेट नहीं कर सकते थे, यह है कि हम निकल पड़े और बहुत मज़ा आ रहा है और आपको मैं सारा दिखाऊँगा आराम आराम से पूरा गांव ही और आपको उम्मीद करता हूं कि मैं जितना हो सके उतना इस वीडियो के अंदर मैं आपको गांव दिखा सकूं, अगर कुछ ना हुआ चीज़ें तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला किसी और दिन आकर आपको चीज़ें वगैरह दिखाऊंगा। सो गाइस ये हैं सारी ज़मीनें वगैरह ये और आपकी और उसके अलावा ये दरमियान से दस्तक वगैरह और दोनों साइडों की ज़मीनें वगैरह हैं। तो बहरहाल ये तला अभी तो कह रहे थे कि आप हमें कोई मतलब कि बाग वगैरह दिखाएं, तो इस वक्त जो अमरूदों वगैरह के बाग वगैरह आगे जाके हैं पर उसके ऊपर इस तरह का ना अभी कुछ लगा वगैरह नहीं है और उसके बाद ज़मीनों में जा नहीं सकते अंदर क्योंकि बारिश होने की वजह से ज़मीनों के अंदर पानी वगैरह, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं दोस्त चीज़ें हो सकती। तो अदरवाइज़ ये देखें पानी वगैरह काफ़ी आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह ना ज़मीनों में काफ़ी पानी है तो इसलिए चीज़ की प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ये है कि जितना हो सके ईज़िली इन दोनों को भी दिखा सके क्योंकि ये भी काफ़ी पहली मतलब कि अपनी होश में पहली दफ़ा गाँव आए हैं, नहीं तो पहले तो आ चुके पर उनको इतना इलम नहीं था, इतना पता नहीं है चीज़ों का, पर अब आए हैं तो बहरहाल ये देख रहे हैं। तो बहरहाल इनको ये है कि जितना हो सके मैं उतना बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से गाँव घुमा दूंगा और साथ साथ आप लोगों को भी घुमा दूंगा, नहीं तो एक दिन तो मैंने रखा हुआ है कि जिस दिन मैंने आऊँगा और आके सारा कुछ चेक वगैरह आपको करवाऊँगा। अनिया आप इधर आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, इनको जाने दो, इनको जाने दो, अरुण आपने नहीं बैठना, नहीं।
सो गाइस ये गांव का यहाँ से एंड है और इसके बाद अगला गांव स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से रिक्शा मोड़ के हम वापस जाएंगे और जाके आपको मैं यहाँ पे अंबियाँ वगैरह, क्योंकि आम का इस मौसम में तो अंबियाँ वगैरह लगी हुई हैं आगे, तो मैं आपको वो सारी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद एक फार्म हाउस पर जाएंगे और वहाँ पर भी आपको मैं सारा दिखाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर फार्म हाउस पर ना इन्होंने मछलियाँ वगैरह रखी हुई हैं, तालाब बनाया हुआ और सारा कुछ बनाया हुआ है। तो यार यहाँ पर तो पानी वगैरह है तो ज़मीनों के अंदर तो हम जा नहीं सकते, ये सारी ज़मीनें हैं ये देख रहे हैं, पर यह कि पानी की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते बारिश की वजह से, तो वह लब चलते हैं और जाके आपको है ना बाकी चीज़ें वगैरह दिखाता हूँ। सो गाइस सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे अंबियाँ वगैरह तोड़ने के लिए और ये सामने रास्ता जाता है, शुक्र है पानी बिल्कुल नहीं था, ये साइड पे ही पानी है, बाकी जब जहाँ पे रास्ता चलने वाला उधर शुक्र है पानी नहीं था। तो फिर सामने बच्चे वगैरह पहुँच गए, दरख्तों के ऊपर चढ़ गए हैं, तो फटाफट मैं जाके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको दिखाऊँगा सारा कुछ कि अंबियाँ वगैरह लगी होती हैं इस तरह दरख्त पर और ये जैसे उतारती हैं। तो ये देखिए पहुँच गए बच्चे, पहले ही पहुँच गए बच्चे, तेज़ हैं मतलब कि आदि है ना यहाँ के, तो इस वजह से तो हमें तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखें यहाँ से चलना वगैरह, ये देखें अगर आपको अंबियाँ वगैरह यहाँ पर नज़र आ रही हो, क्योंकि मुझे ये आ रही है कैमरे के अंदर वैसे कैप्चर हो रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं पता क्योंकि यहाँ पे धूप का भी ज़्यादा है तो इसलिए पता नहीं चल रहा होगा। ये देखें ये अंबियाँ ये आए हैं ना, अंबियाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो इस तरह बच्चे ऊपर चढ़ के ना दरख्तों के ऊपर फिर ये लेते होते हैं, फिर अब वो चढ़ेगा कोई ना कोई तो चढ़ेगा, तो चढ़ के फिर उसके बाद उतारेंगे अंबियाँ वगैरह तो फिर लेके आएंगे। तो फिर देखते हैं कि अब कौन चढ़ता है ऊपर और कौन चढ़ के अंबियाँ वगैरह ऊपर लेके आता नीचे। सो गाइस ये बच्चे वगैरह अंबियाँ वगैरह लेके आ गए हैं, ये देखो उसकी झोली के अंदर इतनी ज़्यादा अंबियाँ वगैरह उसने रखी हुई है, तो मैं लेके आता तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर कितनी अंबियाँ रखी हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा अंबियाँ लेके आए हैं, इतनी ज़्यादा खट्टी मीठी होंगी, बहरहाल घर जाके आराम से खाएँगे हम। तो अभी हम चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर जो हमारी है, और ये देखें अंबियाँ वगैरह लेके आए हैं, तो बहरहाल बाकी अब जाके आगे जाके देखते हैं। तो कहे थे हम इधर आ गए हैं, पर इधर ये देखिए मैंने हानियों को उठाया हुआ है, क्योंकि वो कहे थे मैंने चलना नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं उठा लेता हूँ। ये इन्होंने अपने जानवर वगैरह रखे हुए हैं और उधर वो ट्यूबवेल वगैरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोलर पैनल पे सारा सिस्टम वगैरह इनका होता है, जो कि बड़ी मज़े की बात है, बिजली जाए ना जाए कोई मसला नहीं, सोलर पैनल चलते रहे तो काम सेट है। तो बहरहाल इधर ये आगे वो ट्यूबवेल वगैरह तो वो चला रहे थे, वो चल नहीं रहा अभी चलाएँगे, और इस साइड पर वो है मछलियों का फार्म है, ये सारी मछलियाँ वगैरह इधर रखी हुई हैं उन्होंने। देखो यहाँ पर मछलियाँ हैं, आओ थोड़ा सा ऊपर चले हानिया, मैं इधर नहाया भी हुआ हूं। हानिया यहाँ पे मछली है, मैं इधर नहाया भी हूं। यहाँ पे बहुत ज्यादा मछली है, पूरी पूरा मिट्टी के अंदर डूब गया। कोई नहीं हम धो लेंगे बच्चे, यार कोई नजर तो आ नहीं रही उत्ते, मैं इधर नहाया भी हूं। कोई कोई बट्टा बुट्टा मारो ताकि उत्ते आन, उधर अंदर चले जा, यूसुफ अंदर जाके तू दो तीन ले गया पूरे अंदर उन्हें धक्का लग जाएगा पीछे से, यहाँ पर टट्टू रहते हैं, टट्टू कोई होता है। तो कहते हम वापस आ गए थे और यहाँ पे हम ये ट्रैक्टर ये सीप लेके आएगा और चलाएंगे, तो फिर हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के चलाएंगे, क्योंकि जब गांव में आए एक तो होता है खोती रेड़ी के ऊपर बैठना, दूसरा होता है ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर बैठना, जो कि ख्वाब होता है हर बंदे का, पर खोती रेड़ी तो इस वक्त मैसर नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी, तो ट्रैक्टर ट्राली इधर मिलूज थी और ये तला रूम बैठे हुए हैं देख रहे हैं रानी के साथ। तो बहरहाल हम इसके ऊपर बैठेंगे और चलाएँगे ट्रैक्टर ट्राली, तो इस वक्त सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि किस तरह किधर किधर बैठते हैं, तो बहरहाल जो जगह बचेगी तो हम भी बैठ जाएंगे, तो बहरहाल देखते हैं कि कैसे कैसे लोग बैठते हैं सारे। अरुण से चल रहा है, ध्यान से ओए ओए, इसको दबाओ इसको दबा के रखो दबा के रखो बंद कर दे, मैं इनको लेके जाता हूँ, तू राम स्कूल से लेके आ। बहरहाल हमने ट्रैक्टर ट्राली का तो सारा नज़ारा ले लिया, तो अब हम आगे जा रहे हैं ज़मीनों पे और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे पानी ज़्यादा खरा ना हो, तो बहरहाल चलते हैं और आपको सारी यहाँ की ज़मीनें जो हमारी ज़मीनें वगैरह हमारी जो ये जो चीज़ें वगैरह तो वो दिखाते हैं। चलो आ जाओ आगे आ जाओ, और ये अंजीर है, मामू साथ लेके जा रहे हैं ना, मेरा हाथ पकड़ लो, अंजीर का है ये, अंजीर ये कलर भी छोटी सी है, ये छोटी छोटी फिर बाद में जब बड़ी होती फिर बोलो, और अमरूद अमरूद वो आगे, और ये भी अंजीर का ही है। आ जाओ एक दफा देख ले सही तरीके से, किन्नियों का कौन सा दिखाऊं तुम्हें, इधर आओ उस अंदर, हाँ आ जाओ इधर आओ, ज्यादा नहीं है बस ध्यान से रखना पाओ, ध्यान से पाओ देख के रख, हरून देख के हाथ पाओ रख, क्या मतलब पाओ देख के रखना, दिख रही है अंडा उंडा कुछ भी नहीं है, अंडा उंडा वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ये अमरूद लगे हुए हैं पर कच्चे हैं,
निकालते हैं बड़ा वाला। बड़ा वाला कोई लगा होगा तभी ना। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। ओ वहाँ पे तेरा। सो गाइस तलहा उनके साथ मैंने आप लोगों को भी काफ़ी गांव दिखा दिया, तो बहरहाल अब घर चलती हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे वापस अपने घर। तो मैं आपको घर जाके मिलता हूँ और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह तला मैं किसी और व्लॉग में बना दूंगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो ये है कि तलहा उनके वापस चले गए हैं लाहौर, तो अभी तो वो इधर ही हैं, तो ऑब्वियसली उनसे भी जल्द ही मुलाकात दोबारा हो जाएगी। तो ये कि जब भी मुलाकात होगी तो आपको उसके बारे में उसके भी व्लॉग वगैरह आ जाएंगे इंशाल्लाह तला। बाकी ये था कि जितना मेरे से हो सका, जितना ईजिली हो सका, मैंने आपको गाँव दिखाया या गाँव की पूरा जितना मैं कर सकता था उतना दिखा सका तो उतना दिखाया, जितना मेरे पास टाइम भी था, ऑब्वियसली टाइम कम था। पर ये इंशाल्लाह ताला मैं किसी और दिन भी जाऊंगा और प्रॉपर आपको दिखाऊंगा गाँव वगैरह भी। तो ये कि वो उसके लिए भी आप वेट करिएगा इंशाल्लाह ताला, उनकी वीडियो जल्दी आने लगी है क्योंकि मैं वो भी जाऊँगा स्पेशल एक दो दिनों तक और वहाँ पर जाकर प्रॉपर वीडियोज़ वगैरह शूट करूँगा और फिर एडिट करके लगाऊंगा। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा पर इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी जल्दी वीडियोज़ की भी। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को भी दबा दिएगा और इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।